बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को डिल्यूट कैसे करना है। तो किसी भी सॉल्यूशन की डिल्यूशन उस वक्त होती है अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करते जाए। अगर सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे तो सॉल्यूट ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, लेस होते जाएंगे। सॉल्यूट का लेस होना, सॉल्वेंट का इंक्रीज होना डिल्यूशन का नाम होता है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है पोटासियम परमैंगनेट। तो पोटासियम परमैंगनेट अगर हमारे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले मौजूद है, जिसको स्टॉक सॉल्यूशन का नाम भी देंगे या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम भी दे देते हैं, तो आइए हम उसे डिल्यूट कैसे करते हैं और डिल्यूट करने के लिए उसकी मोलैरिटी कैसे चेंज होगी, या डिल्यूट करने के लिए वहां स्टॉक से हमें कितने वॉल्यूम लेना पड़ेगा, कितना अमाउंट लेनी पड़ेगी उसे फर्दर क्या करने के लिए, डिल्यूट करने के लिए। आइए इसी को हम डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ये मेजरिंग फ्लास्क है, ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का यहां पर प्रिपेयर्ड है, तैयार है, और इसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं या स्टॉक सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन जो हमारे पास है, इसको कैसे तैयार किया होगा, 1000 cm³ के अंदर इसकी अमाउंट हमने डाली है 15.8 ग्राम पर मोल, क्योंकि उसका मोलर मास होता है 158.5 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास है, तो हमने इसके अंदर यूज की है 15.85 ग्राम्स। और इतनी अमाउंट क्यों यूज की है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन बनाना था 0.1 मोलर। तो ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास तैयार है, जिसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम भी देंगे या स्टॉक सॉल्यूशन का नाम भी देंगे। तो स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी को मैंने M1 से जाहिर कर दिया, वो मोलैरिटी है 0.1, और इसका जो वॉल्यूम यहां से मैंने यूज करना है पिपेट के जरिए इसके अंदर ले जाना है, वो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, V1 होगा, और वो अननोन है। इसी को मैंने कैलकुलेट करना है कि कितना वॉल्यूम यूज करो ताकि आगे सॉल्यूशन 0.01 मोलर हो जाए। इट्स मीन हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन को 0.01 मोलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। 0.1 ऑलरेडी हमारे पास है पड़ा, तो उसको हमने डिल्यूट करके 0.01 करना है। तो कैलकुलेशन ये करनी है कि जो हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले मौजूद है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले मौजूद है, उसमें से एज ए सॉल्यूट के तौर पर कितनी अमाउंट लें ताकि हमारा बनने वाला सॉल्यूशन क्या हो जाए, डिल्यूट हो जाए, और कितना डिल्यूट हो जाए, 0.01 मोलर हो जाए। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहां से V1 कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूला अप्लाई करके, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम हमने टोटल बनाना है वो V2 होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन को मैंने V2 से जाहिर कर दिया और डाइल्यूट सॉल्यूशन के मोलैरिटी को मैंने M2 से जाहिर कर दिया। मोलैरिटी मुझे चाहिए 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और टोटल जो इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा वो 100 cm³ में बनाऊंगा। ये मेजरिंग फ्लास्क है, और अब मुझे जरूरत यह है कि यहां से V1 कैसे कैलकुलेट करना है, कि मैं अपने स्टॉक सॉल्यूशन से कितनी अमाउंट यहां पहले डालूं, उसके बाद और सॉल्वेंट डालूंगा। यहां से कितनी अमाउंट ऑलरेडी पहले मौजूद होगी, किसकी, V1 की, उसके बाद इसके अंदर मैं सॉल्वेंट यूज करता रहूंगा। कब तक यूज करता रहूंगा, कब तक ऐड करता रहूंगा, जब तक ये टोटल 100 cm³ नहीं हो जाता, उसके बाद ये सॉल्यूशन हो जाएगा 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हमने यहां से कैलकुलेट क्या करना है कि अपने कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है हमारा ऑलरेडी हमने पहले तैयार किया हुआ है, उसमें से कितने अमाउंट ले जाऊं पिपेट के जरिए यहां से, ताकि मेरा सॉल्यूशन 0.01 मोलर हो जाए। तो आइए इसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है M1 V1 is equal to M2 V2। अब M1 मोलैरिटी है स्टॉक की, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। V1 ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो हमने यूज करना है और उसको वहां तक ले जाना है ताकि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना सकें, ये कैलकुलेट करना है। इट्स मीन V1 हमने कैलकुलेट करना है, इसको यही रहने दें। तो M2 V2 डिवाइडेड बाय द, ये हमारा क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। आइए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो M2
ये हमारा सॉल्यूशन है। ये देखें स्टूडेंट्स, M2 मोलैरिटी जिसको हमने डिल्यूट करना है उसकी मोलैरिटी हमें कितनी चाहिए, 0.01 तक चाहिए। तो इट्स मीन यहां पर आप लिख लें 0.01 ये M2 है, और जो ये सॉल्यूशन आप टोटल बनाएंगे वो कितना सॉल्यूशन हमने बनाना है टोटल अमाउंट, वो 100 CM3 सॉल्यूशन होगा हमारा। तो यहां पर लिख लेंगे 100 CM3 डिवाइडेड बाय द M1 आपका ये है जो ऑलरेडी पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था वो कितना था 0.1 है, 0.1 को तो 0.01 बनाना है, तो 0.1 यहां पर लगेंगे। अब 0.1 की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, 0.01 भी पुट कर दिया, 100 भी पुट कर दिया। अब इसको डिवाइडेड बाय द मल्टीपल करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 CM3। इट्स मीन यहां से ये बात मालूम होती है कि अगर हम यहां से 10 CM3 यानी 10 CM3 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन यहां से हम ले लें एज ए सॉल्यूट के तौर पर, तो इसके अंदर डालने के बाद फिर इस फ्लास्क में फर्दर सॉल्वेंट ऐड करते रहे। कब तक ऐड करते रहे, जब तक यहां तक ये इसकी फ्लास्क की नेक है, जब ये 100 तक हो जाए फिल हो जाए तो उसके बाद में फर्दर सॉल्वेंट नहीं डालना, टोटल आपने 100 CM3 करने हैं, लेकिन ये 10 CM3 डालने के बाद सॉल्वेंट डालना है और 100 तक जाना है। वो आपका मोलैरिटी कितना हो जाएगी 0.01, क्योंकि यहां से आपने V1 कितना लिया हुआ है 10 CM3। तो कहने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स अगर आपने पोटेशियम परमैंगनेट के 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले मौजूद है, अगर आपने उसको चेंज करना है 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज करना है, तो आपको स्टॉक से कितना अमाउंट लेनी पड़ेगी, V1 जिसको कह रहे हैं वो 10 CM3 लेना पड़ेगा, वो इसके अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसके अंदर सॉल्वेंट डालते रहो, और सॉल्वेंट वो यूज करना है जो सॉल्वेंट ऑलरेडी पहले यहां यूज कर चुके हैं। उसके बाद कब तक यूज करना है सॉल्वेंट, जब तक टोटल 100 नहीं हो जाता, वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, डिल्यूट सॉल्यूशन होगा। और कितना डिल्यूट हो जाएगा, 0.1 से आपने इसको चेंज कर दिया 0.01। तो इसका मतलब है पेपर में अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अगर हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन को 0.01 मोलर में चेंज करना हो तो हमें कितनी अमाउंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से चाहिए जो हमें डिल्यूट जिसको कर सके, तो वो अमाउंट भी बताएगा डिल्यूट की टोटल। और यहां से जो वॉल्यूम आपने यूज करना होता है वो ये वाला वॉल्यूम नहीं होता स्टूडेंट, जो यहां से पिपेट के जरिए लेके यहां ले जाना होता है वो आपका V1 होता है। तो V1 हमने कैलकुलेट किया वो था 10 CM3। अब हम ऐसा करते हैं, यहां अगर एग्जामिनर ये हमें बता दे कि यहां से मैंने इस स्टॉक में से 10 CM3 वॉल्यूम ले लिया, तो बच्चों ये बताओ कि इसकी मोलैरिटी कितना चेंज हुई। अब इसको वाइस वर्सा उलट तरीके से पूछ रहे हैं, जहां V1 कैलकुलेट करना था मोलैरिटी उसने बता दी थी किसकी, डिल्यूट की। अब डिल्यूट के सॉल्यूशन की मोलैरिटी नहीं बताई, ये हमने कैलकुलेट करना है। वो कहता है अगर हम स्टॉक में से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से 10 CM3 वॉल्यूम ले लें, इसकी मोलैरिटी कितना चेंज होगी। वाज़ह बात है कि इसकी मोलैरिटी वही होगी 0.01 तक चेंज होगी, क्योंकि यहां मोलैरिटी 9 थी और वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। अब उसने ये वाला वॉल्यूम बता दिया है तो मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखे इट्स मीन आपने मोलैरिटी M2 कैलकुलेट करनी है, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, M2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 और क्या हो जाएगा V2। तो इस फार्मूले के मुताबिक स्टूडेंट्स देखें, अगर आपने M2 कैलकुलेट करना हो M1 V1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, M1 क्या है, ये मोलैरिटी है, कितना है 0.1 है, तो 0.1 लिखेंगे। V1 क्या है,
जो हमने अमाउंट पिपेट के जरिए देखे, ये पिपेट है स्टूडेंट्स, यहां पे सकेल होते हैं, यहां पर मजरिंग होती है इसकी। आप यहां से या आप ये पिपेट यूज नहीं करते तो आपके पास मजरिंग फ्लास्क भी होती है, और वो मजरिंग फ्लास्क के जरिए या इस पिपेट के जरिए यहां से आप अमाउंट आउटलेट करा के इसके अंदर क्या करनी होती है, ऐड करनी होती है। वो अमाउंट कितना है, 10 cm³ है। तो आप 10 cm³ लिखेंगे यहां पर, ये V1 है, V1 यहां से ले रहे हैं, और उसके बाद ये सॉल्यूशन टोटल कितना बनाना चाहते हैं, वॉल्यूम इसका V2 कितना बनाना चाहते हैं, ये भी 100 बनाना चाहते हैं, तो डिवाइडेड बाय द क्या कर दें, 100 कर दें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो इसका रिजल्ट जो आएगा 0.01 मोलर आ जाएगा। इट्स मीन इसकी मोलैरिटी आपने कितना चेंज कर दी, 0.01 मोलर कर दिया, और ऑलरेडी पहले सॉल्यूशन कितना था, ओनली 0.1 मोलर था, 0.1 मोलर को आपने 0.01 मोलर में चेंज कर दिया, इट्स मीन सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मैं रिपीट कर दूं बात को, अगर आपके पास एक स्टॉक सॉल्यूशन मौजूद है जिसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं, उस स्टॉक सॉल्यूशन में से अगर कह दिया जाए कि उसकी मोलैरिटी चेंज करें, तो आपको फिर V1 कैलकुलेट करना पड़ेगा कि V1 आप यहां से कितना लेंगे ताकि उसकी मोलैरिटी जो उसने पूछी है वो चेंज हो जाए। फिर या इस तरह भी पूछ सकता है कि इधर से मैंने कितना मोलैरिटी लिया है और टोटल सॉल्यूशन आगे जो मैं बनाया है वो अमाउंट भी बता दें, तो स्टूडेंट से पूछ सकता है कि इसकी मोलैरिटी कितना चेंज हुई है, यानी मोलैरिटी 0.1 के बजाय आगे कितना चेंज हुई जब यहां से स्टॉक में से मैंने इतना अमाउंट ली। यहां तो मैंने बोला कि 10 cm³, और आप यहां से 100 भी ले सकते हैं, आप 15 cm³ भी ले सकते हैं, जितना अमाउंट यहां से लेंगे याद रखना वो V1 होती है। यहां V1 कैलकुलेट की है तो मोलैरिटी उसने बता दी थी, यहां V1 आपको बताई जा रही है ताकि मोलैरिटी आप खुद मालूम करें। तो मोलैरिटी मालूम करनी हो डाइल्यूट की तो ये फार्मूला लगाना है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन का आपने वॉल्यूम नोट करना हो तो कितना उसका आप डाइल्यूट कर सकते हैं, तो आप V1 कैलकुलेट करेंगे, V1 से पता चलेगा कि V1 आप कितनी अमाउंट लेंगे ताकि सॉल्यूशन क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। अगर आपने उसकी मोलैरिटी चेंज करना देखनी हो तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, M2 = इट्स मीन ये क्वेश्चन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन दो तरीके से पूछी जा सकती है, मोलैरिटी चेंज करके भी पूछ सकता है, वॉल्यूम चेंज करके भी पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोलैरिटी हमने चेंज कर लिया तो हम स्टॉक में से वॉल्यूम कितना ले लें, V1 कितना लें, या वो आपको V1 की वैल्यू बताएगा तो फिर आपसे पूछेगा कि आगे बनने वाला सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितना चेंज हुई, तो वो मोलैरिटी हमें बता दे। ये था आज का क्वेश्चन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन मीन होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट ऐड करते हैं मोलैरिटी क्या हो जाती है, पहले से लेस हो जाती है, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो ऑटोमेटिकली क्या होना हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसे बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये है प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने एग्जांपल दिया केमोलफोर वाली आपकी बुक के अंदर, यही एग्जांपल दी मैंने, इसको क्लियर करके समझा दिया। कोई बात नहीं समझ ना आई तो दोबारा आप मुझे बताएंगे, कमेंट्स करेंगे, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा। स्टूडेंट्स तो मैंने एग्जांपल मैंने केमोलफोर के लिए है, केमोलफोर का जो मोलर मास है वो 158.5 ग्राम पर मोल था, लेकिन मैंने 15.8 ग्राम इसलिए यूज किया क्योंकि 0.1 मोलर बनाना था 1000 cm³ के अंदर। एक बार याद रखना है कि यहां पर जो इसका कलर होगा वो पर्पल होगा, गहरा होगा, डेंस पर्पल होगा। जब आप इसका डाइल्यूट में कन्वर्ट करेंगे ऐसा ऐसा ये कलर जो पर्पल है ये क्या होता जाएगा, फेक होता जाएगा, फीका पड़ता जाएगा, हल्का होता जाएगा। क्यों? जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाता है वैसे पर्पल कलर इसका क्या होता जाएगा, फेक होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन को आप ऐसा ऐसा क्या करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं। अल्लाह।